अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं औरतों की नमाज पढ़ने का तरीका। प्यारे दोस्तों, फजर की दो रकत नमाज सुन्नत औरत किस तरह से पढ़ेगी, आइए आज की इस वीडियो में हम देख लेते हैं। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, नियत इस तरह से करेंगे, नियत की मैंने दो रकत नमाज सुन्नत वक्त फजर का वास्ते अल्लाह ताला के रुख में काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। नियत करने के बाद दोनों हाथ दुपट्टे से बाहर निकालें और कानों तक उठाएं बगैर सीने पर इस तरह बांधेंगे। दाहिने हाथ की हथेली बाएं हाथ की हथेली की पुष्ट पर रखें, फिर सना पढ़ें। इसके बाद सूरह फातिहा एक बार पढ़ें, इसके बाद कोई भी एक सूरत जो याद हो पढ़ लें, फिर अल्लाह अकबर कहकर रुकू में जाएं। रुकू में इतना ही झुकें जिससे आपके हाथ घुटनों तक पहुंच जाएं। फिर सुभान रब्बिल अजीम तीन बार पढ़ें, समी अल्लाह लिमन अमिदा कहें और रुकू से सीधे खड़े हो जाएं। फिर रब्बना लकल हम्द कहें, अल्लाह अकबर कहकर आप सजदे में जाएं। सजदे में तीन बार सुभान रब्बिल आला कहें, फिर अल्लाह अकबर कहें, सजदे से उठ जाएं। फिर अल्लाह अकबर कहें, दूसरे सजदे में जाएं। दूसरे सजदे में जाकर सुभान रब्बिल आला फिर से तीन बार पढ़ें। इससे आपकी एक रकत नमाज कंप्लीट हो जाती है। ध्यान रखें, पैर खड़े न रखें, दाहिनी तरफ निकाल लें, खूब सिमट कर सजदा करें। दूसरे रकात में एक बार सूरह फातिहा पढ़ें, एक बार कोई भी एक सूरह जो याद हो पढ़ लें। रुकू और सजदे कंप्लीट करके कायदे करें, कायदे में एक बार अतियात पढ़ें, एक बार दरूद इब्राहिम पढ़ें, एक बार दुआएं मशरफ पढ़कर सलाम फेर कर अपनी नमाज कंप्लीट करें। यह हो गई औरतों की दो रकत नमाज सुन्नत वक्त फजर का। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।